Dear students, today we are going to start chapter number 2. The name of the chapter is Polynomials, which you have already studied in class 9th. क्या क्या पढ़ा है पॉलिनोमियल में याद बताओ मेरे को. मैं कुछ बोलता हूँ, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बताएगा कोई. मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल पढ़ा है. पॉलिनोमियल ऑफ सिंगल वेरिएबल, पॉलिनोमियल ऑफ डबल वेरिएबल पढ़ा है. चलो रिपीट करते हैं, आ जाओ. कम विथ मी, ओपन योर बुक एंड दिस चैप्टर नंबर 2. इन क्लास 9 यू हैव स्टडीड द पॉलिनोमियल्स ऑफ वन वेरिएबल एंड देयर डिग्रीज. रिकॉल दैट द px इज द पॉलिनोमियल एंड x इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. हाईएस्ट पावर ऑफ द x उसको कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. फॉर एग्जाम्पल, 4x + 2 सिंगल पावर है, इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल. वेरिएबल x डिग्री 1. 2y² वाला है, अगर y स्क्वायर है तो डिग्री 2. अगर 5x³ है तो पॉलिनोमियल ऑफ x विद डिग्री 3. और ये है तो 7u⁶ है तो यू विल से द पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल u ऑफ द डिग्री 6. सिंपल, अगर पावर 1 है तो 1 पावर है, 2 है तो पावर 2 है, 3 है तो सबसे हाईएस्ट वाले को देखना है. कुछ ऐसे भी हैं जो पॉलिनोमियल नहीं है. क्यों नहीं है? सभी 9th में पढ़ा, रिवीजन चल रहा है. क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर इसकी x की पावर -1 आती है, यहां पर x की पावर 1/2 आती है. तो पावर जो है ना, एक्सपोनेंट या पावर, वो होल नंबर होना चाहिए और नेगेटिव नहीं होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए. ठीक है, अगर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है. छोटा सा आगे आ जाओ. पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर क्यों कहते हैं? लीनियर इसलिए कहते हैं कि सिंगल लाइन बनाता है. वो जो लाइन अगर आप खींचोगे, कर्व बनाओगे, ग्राफ बनाओगे ना, तो सिंगल लाइन. तो ये इसका एग्जांपल, इसमें सब में पावर 1 है. पॉलिनोमियल्स जिसमें x² x³ आता है वो नॉट लीनियर है. अगर पावर 2 वाला पॉलिनोमियल है तो वो कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक क्यों कहते हैं? बिकॉज द क्वाड्रेटिक हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड क्वाड्रेट. क्वाड्रेट यानी कि वो स्क्वायर को बोलते हैं, वर्ग को, स्क्वायर को. ये उसके एग्जांपल. ठीक है, आर सम एग्जांपल्स ऑफ द क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक वाली का पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या? ax² + bx + c, वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0. लीनियर का क्या है? लीनियर का है ax + b. मैं सब रिवीजन करा रहा हूं, सब चिंता मत करो, केवल मेरे साथ सुनो, समझो. क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है? ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट. तो क्यूबिक का क्या है? बताओ बताओ जल्दी से. क्यूबिक का आएगा ax³ + bx² + cx + d, वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0. ये एक सब में कंडीशन है. ax³ bx² cx + d. ये आ गया क्यूबिक का. कहाँ गया ये? ये तो उसके क्यूबिक के एग्जांपल, और क्यूबिक का स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं लिखा इसने.
क्यूबिक एग्जांपल ये रहा, ये क्यूबिक का स्टैंडर्ड एग्जांपल वेयर द ए बी सी डी आर द रियल नंबर एंड ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। जो बुक में लिखा है वही पढ़ा रहा हूं मैं। फिर हमने पढ़ा कि किसी पॉलिनोमियल में किसी एक्स की वैल्यू रखें तो उसका रिप्लेसमेंट करके एक्स की वैल्यू अपन निकाल सक रहे हैं, एक्स की जगह कुछ भी रख सकते हैं। और ऐसा कोई वैल्यू रखें कि पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, उसको हमने क्या बोला था? उसको हमने बोला था जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। सब पढ़ा हुआ है अपन ने। पॉलिनोमियल को ऐसा कुछ करो कि इक्वल टू जीरो कर दो, एक्स ऐसा एक्स की वैल्यू रखो कि पूरा वैल्यू जीरो आ जाए। मान लिया अपने पास 2x प्लस 3 कोई पॉलिनोमियल है, एक्स की वैल्यू निकालनी, सिंपल तरीका भी अपन ने बताया था कि यहां पर 2x प्लस 3 इक्वल टू जीरो रखो तो x इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 2 आ जाएगा। तो ये भी हमारा जीरो निकालने का एक तरीका है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट अगर हो, मान लिया अपनी जो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड का लीनियर का है, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो करोगे तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए। ये हमारा एक और फॉर्मूला है। तो थोड़ा सा अपन ने रिवीजन किया है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा आगे की चीज इंटरेस्टिंग, और वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल का जो जीरो है उसका कुछ ज्योमेट्रिकल मीनिंग है क्या? कुछ अगर ग्राफ बनाए, कर्व बनाए तो वो पता चल सकता है कि सर ये जीरो कहां आ रहा है। साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया इसके ऊपर, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकाला। सबसे पहले हमने एक लीनियर इक्वेशन लिया, लीनियर इक्वेशन ले लिया, मान लिया वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3, एक्स की अलग अलग वैल्यू के लिए माइनस 2 के लिए 2 के लिए हमने वाई की वैल्यू निकाली और हमने कर्व बनाया। सबको ग्राफ बनाना आता है, 9th में पढ़े हुए हो। और ये जो लाइन बनी है ये एक्स एक्सिस पे कहां काटती है? एक्स एक्सिस पे ये कहां पे इंटरसेक्ट करती है? एंड जहां पर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है वही हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो यहां पर कहां कट कर रही है? माइनस 3/2 पे कट कर रही है। वैल्यू ऑफ द एक्स, यहां वैल्यू ऑफ द वाई जीरो है, एक्स एक्सिस को कट कर रही है। पुट करिए, अगर इस वाली इक्वेशन में आप माइनस 3/2 की जगह इसकी जगह वाई रखोगे, वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3/2 प्लस 3 कट गया तो ये आ गया जीरो। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब ये हो गया कि जो ये है ना वो पॉलिनोमियल, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x प्लस 3 इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ वाई इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। क्या समझे? मतलब ये समझे कि कोई भी लाइन हो ना, कोई भी पॉलिनोमियल हो, उसका जीरो का अगर उसका ग्राफ अगर बनाओगे ना तो वो एक्स एक्सिस पे वही इंटरसेक्ट करेगा जहां पे उसका जीरो है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब वो वैल्यू एक्स की जहां पर पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो ये हमने बनाया। अब हम बात कर रहे हैं, ये तो हमने लीनियर की बात की। लीनियर में सीधी रेखा होती है, स्ट्रेट लाइन। अब हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक की।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जरा बात करो, उसका कर्व कैसा होगा? इंटरेस्टिंग पार्ट तो यह है, तो क्वाड्रेटिक के जरा हमने एक्स की बिन अलग अलग वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू निकाली, करो आप भी निकालो, ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, समझ लो बस ऐसी। और हमने ग्राफ बनाया, ग्राफ कैसा बना? अरे वाह, ये तो ग्राफ ऐसा बना, कैसी शेप है इसकी? ऐसी शेप है, ऐसी भी हो सकती है। ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, ग्राफ का शेप कौन सा है ये, इसको क्या बोलते हैं? इस शेप को क्या बोलते हैं भैया? इस शेप को बोलते हैं पेराबोला। क्या बोलते हैं? पेराबोला। हिंदी में क्या बोलते हैं? परवलय। एक और आएगा हाइपरबोला, वो भी आएगा। तो पेराबोला यहां पर हमने बनाया, ये पॉलिनोमियल को जब हमने खींचा तो एक पेराबोला ऐसा भी हो सकता जिसका ऊपर की तरफ खुला हुआ मुंह हो, और ऐसा भी हो सकता है कि नीचे की तरफ भी हो। क्यों ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा कब कब हो सकता है? कब कब हो सकता है बताओ, कब कब हो सकता है बताओ? ऐसा जब हो सकता है जब a अगर मोर देन जीरो हो तो उसका मुंह ऊपर की तरफ, और a अगर माइनस हो तो मुंह नीचे की तरफ। ऐसा छोटी सी बात समझे, समझे कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो पैराबोला बनेगा। अब अगली बात पढ़ें, ये पैराबोला ने एक्स एक्सिस पे कहां कहां कट किया जरा देखो, यहां पे कट किया और यहां पे कट किया है। जरा देखो यहां जीरो आ रहा है क्या? वैल्यू ऑफ द एक्स वेयर द वाई इज इक्वल टू जीरो, यस वैल्यू ऑफ द एक्स वेयर वाई इज इक्वल टू जीरो, एंड दैट इज द कॉल, दैट इज कॉल्ड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो एक तो आ गया मेरे पास 4 0, और एक आ गया मेरे पास -1 0। आई पुट द वैल्यू ऑफ द एक्स -1, पॉलिनोमियल 0 आता है, और यही एक्स एक्सिस कट किया। तो जरा पढ़ लो क्या लिखा है। यू कैन सी -1 and 4 आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सो -1 and 4 आर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस, दस द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ दिस इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस। This is fact true for any quadratic polynomial. The zero of the quadratic polynomial are precisely the x coordinates of the points where the parabola representing this intersects the x-axis. अब ये parabola कैसी कैसी shape बना सकता? अभी अपन ने ये तो पढ़ लिया कि ये parabola या तो ऐसा होगा या वैसा होगा, लेकिन एक्स एक्सिस पे कट करते वक्त भी पैराबोला कुछ थोड़ा अलग अलग केस बनाता है, जरा देखते हैं। पहला केस नंबर 1, यहां पर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है, ऐसा कोई इक्वेशन होगी, मान लिया कोई इक्वेशन है ऐसी, तो यहां पर ये अलग अलग दो जगह पे कट कर रहा है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो अलग अलग जीरोस हैं या दो अलग अलग वैल्यू है। कभी कभी ऐसा पॉलिनोमियल भी होता है कि वो दोनों सेम जगह पे कट करते हैं, यानी कि दोनों जीरोस या दोनों कोऑर्डिनेट एक ही जगह पे हो, एक ही हो, सेम हो। तो ये हो गया केस नंबर 2। क्या हो गया ये? द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एग्जैक्टली द 1 पॉइंट दैट इज द 2 कोइंसिडेंट पॉइंट्स, so the two points a and x a dash coincides here to become 1 point, यानी कि क्वाड्रेटिक उसकी इक्वेशन के दो तो जीरो है लेकिन दोनों सेम है,
हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं कुछ बता, आइडिया लगाओगे? मान लो y इज इक्वल टू x माइनस वन का होल स्क्वायर हो, x माइनस वन का होल स्क्वायर हो, तो x इज x माइनस वन का होल स्क्वायर को जीरो रखो तो x इज इक्वल टू वन, वन दो बार आ रहा है। ऐसे वाला कोई पॉलिनोमियल हो तो सेम आएगा। तीसरी कंडीशन क्या कहती है? तीसरी ऐसी कहती है कि मान ऐसा भी हो सकता है कि कोई जीरो हो ही नहीं, इसका मतलब वो एक्स एक्सिस को कभी कट करेगा ही नहीं। केस नंबर तीन, कुछ समझने का नहीं है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसे तीन परिस्थितियां हो सकती है। दो जगह भी काट सकता है, एक पॉइंट पे भी मिल सकता है और नी भी काट सकता है। तो इसका मतलब क्या लिखा जरा पढ़ लो। सो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हैज नो जीरो इन दिस केस, सो यू कैन सी ज्योमेट्रिकली दैट अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कैन हैव आइदर टू डिस्टिंक्ट जीरो और टू इक्वल जीरो और हैव नो जीरो। सो दिस ऑल्सो मीन्स दैट अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री टू हैज अटमोस्ट टू जीरोस, ज्यादा से ज्यादा दो जीरोस ही होंगे। और अगर क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक के बाद अगर अपन नंबर ले रहे हैं क्यूबिक का, क्यूबिक में एक्स क्यूब आ रहा है और एक्स क्यूब के हिसाब से तीन जीरो होने चाहिए, ऐसे एक्स की वैल्यू। लेकिन यहां भी अलग अलग कंडीशन हो सकती है, तीन भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। यहां वाले केस में क्या कह रहा है भैया? ये कह रहा है वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स, तो मैं लिख सकता हूं इसको एक्स को स्क्वायर बाहर निकाल लूं तो एक्स माइनस फोर, तो मेरे लिए एक्स इज इक्वल टू जीरो, दो बार जीरो और एक्स इज इक्वल टू फोर, ये तीन आ रहे हैं। जीरो पे दो 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 पॉइंट जीरो मिल रहे हैं, एक पॉइंट चार, यानी है तो ये क्यूबिक लेकिन काटेगा केवल दो जगह। यहां देखो ये एक, ये बार y की वैल्यू यहां पर माइनस टू पे कैसे क्या किया है, यहां पर जीरो आया है, यहां पर जीरो आया है और यहां ये अलग है। ये रुको, x क्यूब माइनस फोर एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस फोर, ये अलग है। नाउ वी शुड सी एक्सपेक्ट ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दिस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, तो x क्यूब माइनस फोर एक्स अपन ने किया और उसका कॉरस्पॉन्डिंग ये आया, तो x क्यूब माइनस फोर एक्स इसको अपन ने किया, x क्यूब माइनस फोर एक्स, एक मिनट रुको, हाँ अब मेरे को डाउट, एक मिनट रुको रुको, y इज इक्वल टू है x क्यूब माइनस फोर एक्स, तो यहाँ मैंने x बाहर निकाला, यस x स्क्वायर माइनस फोर, मैंने गलती किया ऊपर, यहाँ मैंने कुछ गलती की है ना, ये गलत है, ये लिखो, तो ये हो जाएगा x और x प्लस टू और x माइनस टू, तो कितना हो गया x की वैल्यू, x इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू प्लस टू और x इज इक्वल टू माइनस टू, तीन जगह y की वैल्यू जीरो आ रही, यस, तीन जगह जीरो आई, माइनस टू पे, जीरो पे और प्लस टू पे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी भी हो सकती है जो तीन जगह कट करे, वन टू थ्री, क्वाड्रेटिक नहीं, क्यूबिक, क्यूबिक, क्यूबिक पॉलीनोमियल, एक्स की वे एक्स क्यूब है तो तीन, ज्यादा से ज्यादा तीन जीरो हो सकता है। और ये भी ऐसा हो सकता है कि इसमें भी अगर मान लिया पॉलीनोमियल ऐसा हो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब जैसा हो तो जीरो ही है, x की जब जीरो, तो यहां पर केवल एक जगह ही कट कर रहा है, यानी कि क्यूबिक होने के बावजूद भी वो तीन जीरोस भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अभी अपन ने एग्जांपल लिया पहला ये वाला, इसके तो तीन जीरो थे, दूसरा लिया मैंने एग्जांपल ये वाला, इसके केवल जीरो था, और तीसरा और है मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, मान लिया ऐसा है, कैसा y इज इक्वल टू
एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स माइनस वन तो क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू जीरो दो बार और एक्स इज इक्वल टू वन। इसमें केवल दो जगह ही कट करो, वन और टू, तो कोई कंफ्यूजन है, छोटी छोटी बात है, डरना नहीं है, बहुत सारे कर्व देख के कुछ घबराना नहीं है, बस कुछ भी नहीं है, बस जीरोस, जो वो जीरोस है जहां एक्स एक्सिस को कट करता है, बस इतनी सी बात है। चलिए, नॉट द जीरो द ओनली जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल एक्स क्यूब है, यू कैन सी दैट द इस वाले में केवल एक ही जगह पे आएगा और यहाँ पर दो जगह कट करेगा। सो फ्रॉम द एग्जांपल अबव वी कैन सी दैट थ्री एट द मोस्ट थ्री जीरोस ऑफ एनी क्यूबिक पॉलीनोमियल, इन अदर वर्ड्स एनी पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री थ्री कैन हैव एट द मोस्ट थ्री जीरोस, ज्यादा से ज्यादा क्यूबिक पॉलीनोमियल में ज्यादा से ज्यादा तीन जीरो आएंगे। और अगर एन ऐसा पॉलीनोमियल हो जिसकी डिग्री एन हो तो वो एन जगह पे भी कट कर सकता है, उसके एन जीरोस आ सकते। बस ये मेरा आज ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ा। अब जरा अपन एग्जांपल कर लें, एग्जांपल नंबर वन, लुक एट द ग्राफ और ये बताओ कि यहां पर कितने जीरो हैं। पहला वाला ग्राफ लिखो नो जीरो, कहीं नहीं काट रहा एक्स एक्सिस को, जरा देखो आंसर, देखो चेक करते जाओ। ग्राफ नंबर वन इंटरसेक्स द ग्राफ ऑफ द जीरोज इज वन एज द ग्राफ इंटरसेक्स द एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट ओनली, यहां पर ओके 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 यहां पर है, रुको रुको रुको, यहां पर एक जगह पे काट रहा है, वन पॉइंट, यहां पर टू, जरा देखो क्या लिखा है, जीरोस टू, तीसरा वाला लो वन टू थ्री, तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ जीरोस इज थ्री, यहां पर इसमें वन ओनली, तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ जीरोस इज वन, यहां पे ओनली, यहां पर भी वन है तो यहां पर भी लिखोगे नंबर ऑफ जीरोस इज वन, और लास्ट वाला क्या है बताओ, वन टू थ्री एंड फोर, फोर, सो नंबर ऑफ जीरोस इज फोर। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, जरा एक्सरसाइज भी इससे भी सिंपल है। एक्सरसाइज क्या कहती है, द ग्राफ दिया हुआ है और नंबर ऑफ जीरोस इन ईच केस निकालना, एक्सरसाइज। यहां पर एक्स एक्सिस पे कहीं काट रहा है क्या, नो, देर इज नो जीरो बिकॉज इट इज इट डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। यहां पर नंबर ऑफ जीरो इज वन, आंसर लिखना, यहां कितना बोलो, वन टू थ्री, नंबर ऑफ जीरो आर थ्री, यहां वन एंड टू, नंबर ऑफ जीरो आर टू, यहां वन टू थ्री फोर, नंबर ऑफ जीरोज आर फोर, या वन टू थ्री, नंबर ऑफ जीरोज ए, नंबर ऑफ जीरोज आर थ्री, बस हो गई एक्सरसाइज। बहुत ज्यादा मजा, कुछ भी नहीं है, पूरा चैप्टर आपको ऐसा लग रहा था बड़ा टफ है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत सारे कर्व थे, लीनियर वाले की सिंगल लाइन थी, क्वाड्रेटिक वाले का पैराबोला था, पैराबोला के दो प्रकार के शेप हैं, पैराबोला तीन जगह से इस प्रकार दो भी हो सकते हैं, सिंगल जगह भी काटे नहीं भी काटे, फिर अपन ने पढ़ा क्यूबिक, क्यूबिक में अपन ने तीन जगह वाला भी देखा और ऐसा भी देखा कि केवल एक ही एक्स एक्सिस पर जगह कटे, ऐसा भी देखा दो जगह कटे, फिर अपन ने कुछ एग्जाम्पल किया, फिर अपन ने एक्सरसाइज कर ली।
अब मैं आगे पढ़ाने वाला हूं, आ जाओ मेरे साथ। रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलीनोमियल, जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में कोई रिश्ता है क्या? मेरे पास एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मान लिया, इसको मान लिया इक्वल टू ये, चलो हाँ ये मेरे पास है पॉलिनोमियल। इसके अगर मैं टुकड़े करूं, मान लिया ये हो रहा है एक्स प्लस अल्फा और एक्स प्लस बीटा लिख रहा हूं, यहां मैं जीरो को लिख रहा हूं, अल्फा और बीटा। इस पॉलिनोमियल का मैंने नाम दिया जीरोस का अल्फा और बीटा, और इन यहां मेरा कोफिशियंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है बताओ, ए, एक्स का कोफिशियंट क्या है बी, और सी तो है ही अपने आप में कांस्टेंट है। मेरे पास कोफिशियंट ए बी और सी, और मेरे पास जीरो है अल्फा और बीटा। अब इनमें आपस में कोई दोस्ती है क्या? कोई रिलेशन है क्या? पहले इसको मैं फॉर्मूला लिखा रहा हूं, फिर आपको प्रूव भी करेंगे, अपन एग्जांपल भी लेंगे। सभी बच्चे नोट करो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, दोनों जीरोस को जोड़ोगे तो आएगा माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है? एक्स का कोफिशिएंट। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। यहां माइनस लगाना भी नहीं भूलना है। अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा गुणा करेंगे तो सी अपॉन ए। बस ये दो चीजें याद करो और सीधे अपन आ जाते हैं आगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाओ। ये मैंने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली, इसको मैंने ये करके देखा, यहां पर आ रहा x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3, यहां पर मेरे 2 आए, ये मेरे लिए अल्फा हो गया। मान लिया अल्फा इज इक्वल टू मेरे लिए 1 है और बीटा इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। अब मैं करता हूं, मान लिया अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो गया 1 प्लस 3, क्या आया 4 आया। और इस वाली इक्वेशन में अगर मेरे को है, यहां मेरे लिए ए है 2, यहां मेरे लिए बी है माइनस का 8 और यहां मेरे सी है 6, तो मेरे पास इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए आना चाहिए, यानी कि माइनस लिखा बाहर, अंदर माइनस का 8 और ये 2, तो ये आ गया मेरे लिए 4, मिल गया। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए आया। ये देखो बुक में भी करा यही काम बुक में भी किया है। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, ये करके देखा, इसको स्प्लिटिंग किया, आ गया 3x माइनस 1 और x प्लस 2। x की वैल्यू निकाली, यहां एक जगह तो आ रहा है x इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 और एक जगह आ रहा है x इज इक्वल टू माइनस 2, क्या आया देखो ना 1 अपॉन 3, एक जगह आया 1 अपॉन 3, एक जगह आया माइनस का 2, दोनों को जोड़ा माइनस 5 अपॉन 3 आया, और ये माइनस 5 अपॉन 3 यहां मिल रहा है क्या? ये देखो यहां पर ए है 3, बी है 5, सी है 2, तो माइनस बी अपॉन ए क्या आ जाएगा, माइनस 5 अपॉन 3 आएगा कि नहीं आएगा, आ गया। सी अपॉन ए क्या लिखो, 2 अपॉन 3, ये भी आ गया। माइनस 2 अपॉन 3, और जो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया वो भी आ गया।
सभी बच्चे नोट कर लो, इसको प्रूव भी इन्होंने किया है, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रूव करो तो अच्छा, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते, किसी बच्चे को प्रूव करने की इच्छा हो देख सकता, कोई बड़ी बात नहीं। ये अल्फा बीटा लिखा है, ग्रीक लेटर है, अल्फा बीटा बोलते हैं, फिर बाद में गामा भी आएगा, अल्फा बीटा गामा। तो सम ऑफ द जीरो हो गया दिस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो हो गया दिस, ये हमारे लिए फॉर्मूला है। एग्जाम्पल नंबर टू, फाइंड द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोएफिशिएंट्स। अब क्वेश्चन करते हैं सीधे से, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन। पहले तो इसको सॉल्व करो, फाइव इंटू टू टेन, फाइव इंटू टू हो जाएगा, करो इसको जरा। ये मैंने किया, इसके लिए पहले इसको सॉल्व करो, सारे बच्चे सॉल्व करो, ऐसा रटना नहीं है, पहले मन से सॉल्व करो। यस वी विल गेट फैक्टर्स इज लाइक दिस, सो वेयर वेयर वी विल पुट एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव, और सेकेंड वाले में एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। तो एक जगह मेरा हो गया अल्फा, अल्फा मैंने मान लिया माइनस टू, और बीटा मान लिया माइनस फाइव। उल्टा भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा भी कर सकते हो। अब मुझे प्रूव करना है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा आ रहा है मेरे लिए माइनस सेवन। अब माइनस बी अपॉन ए करके देखो, ये माइनस बी अपॉन ए, यहां देखो तो माइनस सेवन, माइनस सेवन अपॉन वन, आंसर यहां माइनस सेवन आ रहा है। तो दोनों जगह मिल रहा है क्या, माइनस सेवन मिल रहा है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या कह रहा है, माइनस टू इंटू माइनस का फाइव, ये बन गया प्लस का टेन। जरा सी अपॉन ए करके देखो, टेन अपॉन वन, ये भी टेन। एक बार सारे बच्चे इसको शांति से समझ लो, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और बहुत सारे एक्सरसाइज में भी हैं, एग्जाम्पल्स में भी हैं, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे तो मजा आएगा। सभी बच्चे एक बार वीडियो पॉज करके इस एग्जाम्पल को अपनी रफ कॉपी में प्रॉपर तरीके से करो, समझो क्या है, फिर देखो एग्जाम्पल में क्या लिखा है। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल नंबर तीसरा कर रहा, अगला कर रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर तीन करता हूं, एग्जाम्पल करते जाओ। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस रूट थ्री और एक्स माइनस रूट थ्री। तो जीरोज क्या हो गया, अल्फा हो गया एक में तो हो गया रूट थ्री, और बीटा मान लो माइनस का रूट थ्री। करो सॉल्व, ये मेरा सवाल। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा जीरो को हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, यहां पर ए इज इक्वल टू तो है वन, बी इज इक्वल टू क्या है जीरो, क्योंकि एक्स है ही नहीं, सी इज इक्वल टू क्या है माइनस थ्री। तो माइनस बी अपॉन ए अगर आपको कोई पूछे तो जीरो, और सी अपॉन ए आपको कोई पूछे तो माइनस थ्री आना चाहिए। तो ये मेरा तो अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा बीटा जब मैं करता हूं तो माइनस थ्री आ गया।
एग्जाम्पल नंबर टू करो, सब सॉल्व, सभी बच्चे सॉल्व करो, प्रूव करो अल्फा और बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए आना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए आना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर चार थोड़ा अलग है। एग्जाम्पल नंबर चार कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जहां पे मुझे सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है जीरोस का। अब मेरे को इन्होंने क्या किया है, अल्फा प्लस बीटा दे दिया है माइनस थ्री और अल्फा इंटू बीटा दे दिया है टू। मुझे मालूम है ये होता है माइनस बी अपोन ए, मुझे मालूम है ये होता है सी अपोन ए। दिमाग लगाओ, ऐसा करूं मान लिया दोनों में नीचे एक लिख दूं, दिमाग लगाओ, तो इसका मतलब मेरा ए को अगर मैं वन रख दूं और बी को अगर मैं थ्री रख दूं, सी को अगर मैं टू लिख दूं, तो मेरा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है, यस। तो फिर जब मेरा ये वैल्यू आ गया तो मेरी इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, मेरी इक्वेशन हो जाएगी ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, ए बी सी की वैल्यू मेरी आ गई। जरा मैंने इसको किया, आप भी देख लो, यह मुझे दिया हुआ है, इसके हिसाब से मैंने निकाला क्योंकि मुझे माइनस थ्री लाना है, तो माइनस थ्री तो एक ही तरीका है, या माइनस थ्री अपॉन वन कर दूं, या टू लाना तो टू अपॉन वन कर दूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा। ये यहां माइनस रहता ही है, माइनस बी है, इसलिए ये पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव होगा तभी तो वो माइनस आएगा। तो मेरा इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। हाँ, अब थोड़ी अलग पढ़ाई करते हैं। अभी तक आपने क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के बारे में पढ़ा, अगर क्यूबिक हो तो, अगर क्यूबिक पॉलीनोमियल हो तो कैसा होता है क्यूबिक पॉलीनोमियल, क्यूबिक पॉलीनोमियल कैसा होता है, वहां होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है, एक्स क्यूब का गुणांक कॉफिशियंट ए। तो ये तो हो गया कॉफिशियंट, एक तो हो गया ए, दूसरा बी, तीसरा सी और चौथा डी। इसके तीन जीरो हो सकते हैं, पहला हो सकता है अल्फा, दूसरा हो सकता है बीटा, तीसरा हो सकता है गामा। अब इनमें कोई दोस्ती है क्या, अल्फा बीटा गामा और ए बी सी डी में कोई दोस्ती है क्या, करो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, फॉर्मूला लिखो। दूसरा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू है सी अपॉन ए। और तीसरा है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मूला आया, ये मेरा फॉर्मूला आया, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा एक में है माइनस बी अपॉन ए, दूसरे में सी अपॉन ए, तीसरे में माइनस डी अपॉन ए। और इसको इन्होंने इस इक्वेशन के लिए एक बार
प्रूव किया है, मान लिया इन्होंने दे रखा है कि मान लिया उसके जीरो दे रखे हैं, एक तो है 4-2 और 1/2 क्या है जीरो दे रखा है, अल्फा इज इक्वल टू 4 है, बीटा इज इक्वल टू 2 है और गामा इज इक्वल टू 1/2 है। तो जरा इन्होंने करके देखा, अल्फा बीटा गामा जोड़ा, इसको माइनस बी अपोन ए आया, अल्फा बीटा गामा तीनों को गुणा किया तो माइनस का डी अपोन ए आया, और अल्फा ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किया तो ये आ गया सी अपोन ए। सब बच्चे चेक करो एक बार, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करो। एग्जाम्पल नंबर 4, और एग्जाम्पल नंबर 5 एक बार अपने आप से करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन करने हैं हमको। तो आप सभी बच्चे नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी तक मैंने आपको पढ़ा उसको पूरा रिपीट करो, वीडियो को दो बार देखो, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, और उसके आगे आपको करना क्या है, एग्जाम्पल 5 को ट्राई करना है, एंड यू ट्राई ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2.2 ट्राई करना है, कोशिश करना है, क्योंकि मैं अगली क्लास में सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं और मैं पूरा 2.3 तक करके चैप्टर को भी फिनिश करने वाला हूं। ठीक है, तो ओके, मैं ये क्लास यहीं फिनिश कर रहा हूं, सभी तैयार रहना, सभी प्रैक्टिस करना और 2.2 के सब क्वेश्चन ट्राई करके आना। ओके।